जब तुमको अपने अच्छे अमाल से खुशी हो और बुरे काम से रंज हो तो समझो कि तुम मोमिन हो। दावत देने वाले की दावत कबूल कर लो और हदिया देने वाले का हदिया वापस मत करो। जो अल्लाह की राह पर खर्च करने में कंजूसी करता है वह असल में अपने ही साथ कंजूसी करता है। जो शख्स उजूल खर्ची करता है अल्लाह ताला उसको गरीब बना देंगे। तुम कयामत के दिन अपने और अपने बाप के नाम से पुकारे जाओगे, इसलिए नाम अच्छे रखा करो। जिस आदमी ने किसी से कर्ज लिया और उसकी नियत अदा करने की न हो तो वह चोर होने की हालत में अल्लाह से मिलेगा। मैंने कहा कि अल्लाह मुझे इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा बता जो मेरे लिए काफी हो और मुझे तेरे बाद किसी से इसके बारे में पूछना न पड़े। रसूल ने कहा, तू कह कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और फिर उस पर कायम रहता हूँ। सच्चा मोमिन खुशहाली में अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है और जब वह मुफलिसी में होता है तो उसके इच्छा के प्रति समर्पित होता है। कितना बुलंद मेरे नबी का मकाम है, सारा जमाना पढ़ता दरूदो सलाम है। एकाश मेरी कब्र में फरिश्ते ये कह दें, सोने दो इसे, ये मेरे नबी का गुलाम है। इंसान का मुकद्दर उतनी ही बार बदलता है जितनी बार वो अल्लाह से दुआ करता है। इंसान को अपनी हर जरूरत अल्लाह से मांगनी चाहिए, यहाँ तक के नमक और अगर जूते की पट्टी भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगे। अल्लाह का इरशाद, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी अल्लाह इबादत करे। अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, क्योंकि उस पर ईमान रखा ही जाना चाहिए, तो वह तुम्हें ठीक वैसे ही देगा जैसे वह परिंदों को देता है। वे सुबह खाली और भूखे पेट निकलते हैं और शाम को भर पेट होकर लौटते हैं। कुछ तो बात है मजहब इस्लाम में, वरना 16 घंटे प्यासे रहने वाले लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस्लाम धर्म मुसलमानों को अल्लाह के सिवाय किसी और की इबादत करने की इजाजत नहीं देता है। अल्लाह उस पर इनायत करता है जो खुद अपनी मेहनत से अपनी जीविका उपार्जित करता है, न कि भीख मांगकर। नसीब से ज्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तो दुआ नसीब को बदल सकती है। नमाज जैसी कोई इबादत नहीं, हज जैसी कोई जियारत नहीं, कुरान जैसी कोई किताब नहीं, मदीने जैसा कोई शहर नहीं, जमजम जैसा कोई पानी नहीं, कलमे जैसी कोई दौलत नहीं, दरूद पाक जैसा कोई खजाना नहीं और जुम्मा जैसा कोई दिन नहीं। सरकार कोई भी आए पर अच्छे दिन नमाज पढ़ने से ही आएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।